प्यारे दोस्तों नमस्कार। टेली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में हम ऑर्डर मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और ऑर्डर प्रोसेसिंग के इस कॉन्सेप्ट में अभी तक हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को अच्छी तरह से समझ लिया है, सीख लिया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्री क्लोजर ऑफ ऑर्डर्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि अभी तक आपने हमारे पुराने दोनों वीडियो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा ताकि आज का जो ये कॉन्सेप्ट है प्री क्लोजर ऑफ ऑर्डर्स वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों ऑर्डर प्रोसेसिंग में प्री क्लोजर का मतलब होता है कि किसी ऑर्डर को पूरा न होने के बावजूद पहले ही बंद कर देना, और यह तब किया जाता है जब ऑर्डर का कुछ हिस्सा बाकी रह जाता है और उसे आगे प्रोसेस हम नहीं करना चाहते हैं। कई बार बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज में ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है जब हमें ऑर्डर्स को या तो कैंसिल करना होता है या प्री क्लोज करना होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो भी ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए हैं वो सभी हमें आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स की लिस्ट में दिखाई देते हैं। अब उन ऑर्डर्स को हमें प्री क्लोज करते हुए कैसे कैंसिल करना है? कई बार ऑर्डर्स के अगेंस्ट में हमारे पास स्टॉक नहीं होता है, लेस क्वांटिटी होती है, या पर्टिकुलर जो ऑर्डर हमने रिसीव कर लिया है और हमें लगता है गुड्स हमारे पास आ जाएगा और किसी कारणवश वो अगर नहीं आता है तो भी हमें ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है, या जितनी क्वांटिटी में हमें गुड्स सप्लाई करना था उससे कम क्वांटिटी हमारे स्टॉक में है तो भी हमें उसे मॉडिफाई करना होता है। और कई बार परचेज या सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में जब गुड्स रिटर्न होता है, जो क्वांटिटी के साथ हमने गुड्स रिटर्न किया है या कस्टमर ने हमें जो क्वांटिटी के साथ गुड्स रिटर्न किया है वो सारा आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स की रिपोर्ट में हमें डिस्प्ले होता है। इसी तरह से कभी कभी हमारे कस्टमर की आवश्यकताएं, उसकी नीड्स बदल जाती हैं और वो ऑर्डर का बाकी हिस्सा खरीदना नहीं चाहता है, ऐसे में भी हमें अपने ऑर्डर को प्री क्लोज करना होता है। इसी तरह से कई बार कुछ प्रोडक्ट मार्केट से अप्रचलित हो जाते हैं जिनका प्रचलन जब ऑर्डर लिया था तब तो था लेकिन अब नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम अपने कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करा सकते और हमें ऑर्डर को पहले ही क्लोज करना होता है। तो प्री क्लोजर का उपयोग ऑर्डर प्रोसेसिंग को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए किया जाता है ताकि अधूरे ऑर्डर से जुड़े हुए संसाधनों और समय की बचत की जा सके। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कंपनियों को उनकी इन्वेंट्री और कस्टमर सर्विस को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करती है। तो उन सभी ऑर्डर्स को किस तरह से हमें क्लोज करना है या किस तरह से मॉडिफाई करना है इस सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। हम प्रीवियस एग्जांपल के साथ ही कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले परचेज ऑर्डर जो कि ड्यूज हैं उनकी रिपोर्ट देखते हैं या फिर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स की रिपोर्ट देखते हैं। उसके लिए कंट्रोल जी आपको प्रेस करना है, परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली। इस रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है PO01, ये ऑर्डर हमने गुड्स जब रिटर्न किया था उसके अगेंस्ट में हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अब उस ऑर्डर को मुझे यहाँ से कैंसिल करना है तो उसके लिए आपको अल्टर के साथ W प्रेस करना है या आपको बटन्स पर प्री क्लोज ऑर्डर्स के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसका यूज करेंगे तो जितने भी ऑर्डर्स हैं उनके लिए प्री क्लोज क्वांटिटी के साथ एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। तो सबसे पहले PO003 में दो आइटम्स हमने ऑर्डर किए थे, LG TV और Samsung TV, तो इन ऑर्डर्स को या तो हम कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने के लिए प्री क्लोज क्वांटिटी में आपको क्वांटिटी इनपुट करनी होगी। यदि आपको लगता है LG TV का अब हमें ऑर्डर कैंसिल करना है तो पूरी क्वांटिटी जो आपने ऑर्डर की थी उसका आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ प्री क्लोज का क्या रीज़न है, इस ऑर्डर को आप क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, वो रीज़न भी आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। किस डेट को आप कैंसिल कर रहे हैं वो डेट भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं या इसे चेंज भी कर सकते हैं। और इसी ऑर्डर में हमने एक और आइटम के लिए ऑर्डर किया था Samsung TV, अब यहाँ पर मैं 5 आइटम के साथ इस ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। 10 आइटम के लिए हमने ऑर्डर किया था लेकिन मुझे अब 5 आइटम ही चाहिए, तो यहाँ मैं 5 आइटम्स के साथ इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। देन जो लास्ट ऑर्डर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है PO01, इसे पूरा मुझे कैंसिल करना है, तो फुल जितनी क्वांटिटीज बैलेंस क्वांटिटी बची हुई है उतनी के साथ मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखिएगा केवल यहाँ पर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में अब एक ऑर्डर ही दिखाई दे रहा है, Samsung TV, जो कि ऑर्डर किया था हमने 10 आइटम के साथ लेकिन बैलेंस क्वांटिटी 5 बची हुई है। इट मीन्स 5 आइटम के लिए अभी भी यह ऑर्डर अलाइव है। इस तरह से आप परचेज ऑर्डर्स को प्री क्लोज कर सकते हैं। सेम यही काम हम सेल्स ऑर्डर के साथ भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी आपको सर्च करना है सेल्स ऑर्डर ड्यू ओनली, यहाँ पर भी सारे ऑर्डर हमें दिखाई दे रहे हैं। वही प्रोसेस फिर से आप फॉलो कीजिएगा, ऑर्डर के साथ W, क्वांटिटीज आप यूज़ कर सकते हैं। सारे ऑर्डर्स अगर आप प्री क्लोज करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसमें जो ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है या जो बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है उसे ही आपको प्री क्लोज क्वांटिटी में इनपुट करना है। सेल्स ऑर्डर के साथ मैंने सारे ऑर्डर्स को प्री क्लोज कर दिया है।
एक ऑर्डर फिर से मेरा ड्यू रह गया है, इसे मैं देख लेता हूँ। इसको भी प्री क्लोज करना चाहते हैं तो अल्टर डब्ल्यू देन वन बैलेंस क्वांटिटी, इसको भी मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब एक भी सेल्स ऑर्डर हमारा ड्यू नहीं है, सारे ऑर्डर्स को हमने कैंसिल कर दिया है। ऑर्डर को कैंसिल करना या ऑर्डर में क्वांटिटीज को मॉडिफाई करना ही प्री क्लोजर ऑफ ऑर्डर्स कहलाता है। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।